भगवान जी की फाइल्स मिस हो गई है। हमारे पास भगवान पे भी फाइल्स है क्या? भगवान पर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया स्पेस कैप सीक्रेट क्रिएटर ऑफ आजाद हिंद फौज। हमारा इतिहास तुम्हारे हाथों में है। वेलकम टू इंडियाज बेस्ट कैप्ट सीक्रेट। तो दोस्तों, कार्तिकेय 2 के बाद हो गई है निखिल सिद्धार्थ की करियर की सबसे बड़ी फिल्म स्पाई का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज। तो कैसा है ये ट्रेलर और कब तक हो रही फिल्म थिएटर में रिलीज, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। उसके पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निखिल सिद्धार्थ की कार्तिकेय 2 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई जो ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई और इसी वजह से इनकी ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज हो रही है जो एक्शन और थ्रिलर के साथ साथ सस्पेंस से भरपूर होगी। अब बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो ट्रेलर देखने के बाद पता चला है कि ये फिल्म हमारे देश के वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर बेस्ड होने वाली है और साथ ही साथ पता चला है कि सुभाष चंद्र बोस की जीवन की एक फाइल होती है जिसे कुछ गैंगस्टर चोरी कर लेते हैं। तो किस तरह निखिल सिद्धार्थ उन गैंगस्टरों से उस फाइल को हासिल करते हैं, यही इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल इस ट्रेलर में निखिल सिद्धार्थ की जबरदस्त एक्शन और फाइट देखने को मिली है जो आप लोगों ने शायद इनकी कोई फिल्म में देखा होगा। अब बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टर गैरी वीज के डायरेक्शन में जा रहा है जिन्होंने इस फिल्म की स्टार कास्टिंग काफी बढ़िया की है जिसमें हमें एज ए लीड रोल में निखिल सिद्धार्थ के साथ राणा दिग्पति, जिसू सेन गुप्ता और रवि वर्मा के साथ एक्ट्रेस के रोल में ईशा मेनन देखने को मिलने वाली है। और यह फिल्म अप्रॉक्स 40 से 50 करोड़ के भारी बजट के साथ बनाई जा रही है जो इसी साल के 29 जून को थिएटर में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा जैसी भाषा में एक साथ पैन इंडिया रिलीज हो रही है। वैसे अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मूवी के रिलीज होते ही मूवी का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।